हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम एसिलेशन के बारे में देखेंगे। एसिलेशन कितने तरह के होते हैं, इस पर चर्चा होगी। प्रीवियस वीडियोस में आपने देख लिया होगा रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं। उसके बाद आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा, उनका डिफरेंस देखा। फिर आपने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी देखा, कुछ उस पर बेस्ट प्रॉब्लम्स को भी देखा। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, एसिलेशन क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले एसिलेशन की बात हम लोग करें तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है जैसे तुम कभी मोटरसाइकिल से जा रहे होगे तो कोई बहुत हाई एक्सीलेटर को ज्यादा अगर ज्यादा तेज दबा रहा है तो आप कहते हो बहुत हाई स्पीड में है, ज्यादा एक्सीलेट करिए। तो आप पहले इस कंफ्यूजन को अपने समझिए कि एसिलेशन का रिलेशन हाई स्पीड से बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली एक्सीलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन स्पीड यानी चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सीलरेशन है क्या। तो एक्सीलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का मतलब हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यू कैन से इन अदर वर्ड्स, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज आल्सो नोन एज एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज आल्सो नोन एज एक्सीलरेशन। अब अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को यू बोले, फिजिक्स में इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे और हम फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से एक्सीलरेशन हमारा क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस यू बाई टी। तो ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। तो एक्सीलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और यू कैन से चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और यहां से हमने देख लिया a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v आपका फाइनल वेलोसिटी है और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब हम जरा देखेंगे यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, इसको समझते हैं। तो एक्सीलरेशन के यूनिट को अगर हम देखें तो भाई मैंने कहा एक्सीलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डेल्टा इज यूज्ड फॉर डिफरेंस। डेल्टा वी का मतलब आप कह सकते हैं वी माइनस यू। तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है आपको सबको पता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो तुमको मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमने एक्सीलरेशन को समझ लिया और ये हम जान चुके हैं कि एक्सीलरेशन का मतलब हाई स्पीड से बिल्कुल नहीं है। एक्सीलरेशन डिपेंड्स करता है इस पे, चेंज इन वेलोसिटी पे, नॉट कि हाई वेलोसिटी पे आप कर देते हैं बॉडी एक्सीलरेट करेंगे। तो अब जरा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एक्सीलरेशन को जो है हम लोग कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन जनरली थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है जरा ध्यान देना। पहला आपका है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, दूसरा आपका होगा निगेटिव एक्सीलरेशन, और तीसरा आपका है जीरो एक्सीलरेशन। अब जरा क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, क्या जीरो एक्सीलरेशन है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, द एक्सीलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव, द एक्सीलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है।
नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? द एक्सीलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव एक्सीलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम। अब जब हम जीरो एक्सीलरेशन को हम समझते हैं, यहां पे अगर हम आपसे कहें कि भाई एक बॉडी है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ए पॉइंट पे जब बॉडी थी, मान लो कोई कार है, यहां पे इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, और जब ये अपने फाइनल पॉइंट बी पे पहुंचा, वहां पे भी मैंने देखा कि यहां पे भी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। मान लो यहां से यहां तक टाइम लगा हो 10 सेकंड। तो यहां पे अगर आप चेंज आप एक्सीलरेशन को देखो, तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है और फाइनल वेलोसिटी भी वही है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों यहां पे सेम है, तो जब आप चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोलोगे, उसी को आप एक्सीलरेशन बोलते हो, तो 20 माइनस 20 बाय 10 करो तो 0 बाय 10 तो कितना गया 0। इसका मतलब है एक्सीलरेशन 0 तब होगा जब बॉडी की स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, बॉडी की स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, आपको मैं समझाना चाहूंगा कि अगर आप यहां पे थोड़ी सी चीज आप ढंग से और समझिएगा। अगर मान लो कोई बॉडी इस तरह का ट्रैक पे, मान लो किसी टर्न पे गाड़ी चला रहे हो, तो भाई तुम अगर यहां पे गाड़ी चला रहे हो, तुम यहां पे अपनी गाड़ी को 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से लेकर क्या रहे हो, और तुम यहां पे इस तरीके से आए और यहां पे भी तुम्हारी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो अब मुझे बताओ क्या यहां एक्सीलरेशन हो रहा है? एक्सीलरेशन हो रहा है यहां। अब तुम सोच रहे होगे, सर तो बगल में ही बता दिए कि अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो वहां पे एक्सीलरेशन जीरो होगा। लेकिन ध्यान से अगर तुमने देखा होगा, इस केस में बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। भाई जब हम स्पीड और वेलोसिटी आपको समझाए थे, तो मैंने कहा था वेलोसिटी और स्पीड में डायरेक्शन का ही केवल अंतर है। स्पीड में डायरेक्शन भी लगा दो तो वो बन गया वेलोसिटी। इसका मतलब है आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी किन किन केसेस में चेंज हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। तो वेलोसिटी किसी भी बॉडी की दो सिचुएशन में चेंज होती है, या तो स्पीड उसका चेंज हो रहा हो, तो अगर स्पीड चेंज हो रहा है, मान लो 20 से 40 हो गया, तो स्पीड चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन होगा। लेकिन अगर स्पीड चेंज नहीं भी हो रहा हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तब भी हम कहेंगे कि वहां पे एक्सीलरेशन हो रहा है। तो इस केस में अगर बॉडी किसी टर्न पे मुड़ रहा है, तो भले ही स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो गया। एंड यू नो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, क्योंकि यहां पे स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब यहां एक्सीलरेशन होगा। मैं जब आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताऊंगा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या मतलब है इसका, इफ ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, दिस सच टाइप ऑफ ए मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान समझना, मैं आपको समझा रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपके बुक में यह दिया हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन के केस में इसको समझना है मुझे। तो मैंने कहा अगर सर्कुलर को हटा दीजिए, अगर इस सर्कुलर को आप बंद कर दिए, तो आपको यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है। अगर सर्कुलर को थोड़ी देर के लिए हम हटा दें, तो आपको यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब स्पीड कॉन्स्टेंट। यानी यूनिफॉर्म मोशन ने हमें क्या दिया, कॉन्स्टेंट स्पीड दे दिया। अब यूनिफॉर्म को हटा दो तो तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन आया। सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया इफ ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो अब जरा दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन ने हमें बताया कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर मोशन ने बताया सर्कुलर पाथ। तो दोनों को ऐड करोगे तो डेफिनेशन क्या हो गई, इफ ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड then such type of motion is called uniform circular motion। तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप जान लेना uniform circular motion is an accelerated motion। अब फिर तुम्हारे दिमाग में आ गया
कि सर आप अभी बताए हैं कि भाई स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो भाई हमने सही कहा स्पीड कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, लेकिन कब, इफ द बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बट इफ द बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ देन द मोस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, thus you can say the velocity speed is constant but the velocity changes continuously and the change in velocity per unit curl is change in velocity per unit time is called acceleration, then you can say uniform circular motion is an accelerated motion. So uniform circular motion is an accelerated motion. तो हमने इतना समझ लिया, अब थोड़ा सा एक आज टॉपिक और है, uniform acceleration क्या होता है और non-uniform acceleration क्या होता है, इसको समझते हैं चलो सबसे पहले हम समझेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बड़ी आसान सी डेफिनेशन है भाई, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी यहां पे ए पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकंड है और 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर अगले 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड हो गई, तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, माइनस करके देख लो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है 60 माइनस 40 करो यहां भी 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में कितना इक्वल अमाउंट में चेंजिंग हो रहा है, तो हम कहेंगे बॉडी किस में है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है। तो इसका मतलब है इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब हम समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बिल्कुल उसी का कोई डेफिनेशन बोल दो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब जरा समझिए, ए पॉइंट पे बॉडी की स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकंड थी, 10 सेकंड के बाद बी पॉइंट पे बॉडी की स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 10 सेकंड में बॉडी की स्पीड हो गई 80 मीटर पर सेकंड, और अगले 10 सेकंड में बॉडी की स्पीड हो गई कितनी मान लो 105 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे 10 सेकंड में बॉडी की स्पीड में कितना चेंजिंग हुआ 40 माइनस 20 मीटर पर सेकंड का, अगले 10 सेकंड में बॉडी की स्पीड में कितनी की चेंजिंग हुई 80 माइनस 40 यानी 40 मीटर पर सेकंड की चेंजिंग हो गई यहां पे, अगले 10 सेकंड में कितनी चेंजिंग हुई 105 में से 80 को निकाल दो तो 25 मीटर पर सेकंड। इट मींस यू कैन सी इफ द स्पीड या द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय unequal amount, if the velocity of the body changes by unequal amount in equal interval of time then the body is said to have non-uniform acceleration. अब तुमसे कभी कभी एग्जाम में ये पूछता भी है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल दो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल दो, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। The motion of a freely falling body मतलब ये है कि अगर मैं इस बॉडी को यहां से गिराता हूं तो यहां पे जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा यूनिफॉर्म होगा, कैसा होगा यूनिफॉर्म होगा। जब मैं आपको ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताऊंगा। तो इसका मतलब है मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की एग्जाम्पल को अगर आप देखना चाहते हो तो मोशन ऑफ ए कार ऑन ए क्राउडेड रोड, कोई भाई भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर कार है तो भाई कभी स्पीड ज्यादा कभी एकदम कम कभी एकदम ज्यादा ऐसे चलते हैं तो वहां पे जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म। और भी एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए
मोशन ऑफ ए बस लीविंग और एंटरिंग द बस स्टॉप। भाई बस जब बस स्टेशन को छोड़ती है या फिर वहां पहुंच रही है तो यूनिफॉर्म रेट से नहीं रुक जाती है, कभी धीरे चलेगी, कोई पैसेंजर ने रोक दिया, गाड़ी रुक गई, फिर एक्सीलेट होगी, फिर रुक जाएगी। तो द मोशन ऑफ ए बस या द मोशन ऑफ ए बस लीविंग और एंटरिंग ऑन ए बस स्टेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। तो हमारे ख्याल से एक्सीलेशन की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग ग्राफ के बारे में आने वाले हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। अब ग्राफ से मैं एक्सीलेशन को और बढ़िया क्लियर करूंगा। जब मैं आपको स्पीड टाइम ग्राफ बताऊंगा तो वहां पे एक्सीलेशन को और बेहतर तरीके से क्लियर करूंगा। यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, सारी चीजें आप डिटेल में समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू।